देखिए, इससे स्पष्ट हो जाता है कि विश्व का हर नेता ये मानता है कि कभी भी कोई वैश्विक संकट आएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सल्यूशन प्रोवाइडर्स होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी और भारत की विदेश नीति का सके सक्सेस का इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि जो विश्व का सबसे बड़ा संकट इस वक्त है, जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो आपसी गैर चल रहा है, उसमें रूस के राष्ट्रपति ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका सल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जेलेंस्की ने भी इसी बात को दोहराया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नेता बने थे भारत से, जो यूक्रेन भी गए और रशिया भी गए। मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में जो हमारी विदेश नीति को जिस प्रबलता के जिस जिस कॉन्फिडेंस के साथ में विश्व के सामने रखा, एंड अ प्राउड टू बी अ भारतीय, जो आज हमारी आइडेंटिटी विश्व के सामने प्रस्तुत हुई है, ये उसी का सक्सेस है। आज भारत एक स्विंग पावर नहीं है, आज एक भारत एक स्ट्रॉन्ग लीडिंग पावर है। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है 2047 तक भारत को एक विकसित मुल्क बनाने का, वो तभी हो सकता है जब विश्व का हर देश भारत को एक मजबूत देश के रूप में माने। अगर आपको याद होगा, सिंगापुर के भी एक फॉर्मर डिप्लोमैट ने कुछ समय पहले ही कहा था कि यूके की यूएनएससी की सीट के बजाय भारत को यूएनएससी की सीट मिलना चाहिए। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्सेसफुल फॉरेन रिलेशंस पॉलिसी, एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी का प्रमाण है। और व्लादिमीर पुटिन जी की बात ये मानती है, ये से माना जा सकता है कि भारत जो है आज विश्व में एक सोल्यूशन प्रोवाइडर देश के रूप में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू इंडिया न्यूज टीवी फॉर मोर सच अपडेट्स।